हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के आगे की प्रॉब्लम्स को। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसका, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। ये जो प्रश्नावली 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2 है, ये बिहार बोर्ड की क्लास 7th की मैथ की बुक से है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट और यानी कि घातांक के रूप में घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था, उसके बाद जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसको, और घातांकीय रूप में यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आंसर को लिखना है, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको यहाँ पर कि इस चीज़ को जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है, तो इसको तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं 3 होगा, ठीक है। उसके बाद जो 4 है आपका, इसको लिख दीजिएगा 2 का पावर 2, और 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिखिए, और 32 है तो इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखिएगा तो 2 2 2, 5 बार 2 आएगा, यानी कि 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि 2 यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 2, यानी कि बेस तो सेम है बट यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो 3+2 हो जाएगा, इनटू 3 का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 3 का पावर 2 इनटू 2 का पावर 5। तो अब ये बन जाएगा 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 4, और नीचे में हो जाएगा 3 का पावर 2 इनटू 2 का पावर 5। आप इसको ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 का पावर 5 है और इधर भी 2 का पावर 5 है, तो ये कट जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 का पावर इधर 5 है, इधर भी 5 है, यानी कि बेस तो सेम है और ये बट्टे में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा। और 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 0 इनटू 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 0 तो 1 ही हो जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू 3 टू द पावर 2, यानी कि 3 का पावर 2 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 5 का पावर कितना है, 3, और उसका होल का पावर है 2, यानी कि जब इस तरह कंडीशन आता है तो हम लोग पावर को पावर से गुना कर देते हैं, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 × 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दे दीजिए, और 5 का पावर हो जाएगा 3, और डिवाइड 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो देखो 5 का पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो बेस सेम है, गुना है, तो 5 का पावर जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा, तो 6+3 9 हो गया, और डिवाइड बाय 5 का पावर 6 हो जाएगा। फिर से ये बन जाएगा आपका 5 का पावर 9 - 6, क्योंकि डिवाइड है, बेस सेम है, तो 5 का पावर 3 आंसर हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 25 है और 5 पावर में है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और इसका पावर हो जाएगा 5, डिवाइड बाय 5 का पावर 4, तो क्या बन जाएगा, 5 के पावर 2 × 10, और डिवाइड का हो जाएगा साइन 5 के पावर 4, तो पावर घट जाएगा क्योंकि डिवाइड आ गया और बेस भी सेम है, तो 5 के पावर हो जाएगा 10 - 4, यानी कि 5 के पावर हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो बच्चों, इसका 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख रहे हो आप कि 3 का पावर 0 है, तो कोई भी नंबर होगा उसका पावर जब 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका, ठीक है, वैल्यू। तो 1+4 का पावर 0 1, +5 का पावर 0 1, यानी कि 1+1+1 कितना हो गया, 3, 1 1 2 1 3 हो गया। यहाँ पर भी वही काम है, 3 का पावर 0 है तो 1, 4 का पावर 0 है तो 1, और 5 का 0 है तो 1, यानी कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 0 तो 1 हो गया, और 5 का 0 पावर में है तो 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1+1 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो 11 का पावर 6 है और 13 का पावर 3 है ना, और यहाँ पर 3 गुना में है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, 39 को 3 × 13 कर देंगे, ताकि 3 × 13 = 39 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 13 हमारा मिल जाएगा, ठीक है, और 11 का पावर 2 हो जाएगा। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पर 11 का पावर 6 है और बट्टा में 11 का पावर 2 है, यानी कि 6 - 2 हो जाएगा, है ना, इनटू देखो 3 3 तो आपको पहले ही कैंसिल हो जाएगा, 13 का पावर 3 है और 13 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 13 का पावर 1 है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कोई नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उसका पावर बताओ, तो आप क्या बोलेगा, 1 है, यानी कि 13 का पावर 3, और यहाँ 13 का पावर 1 हो गया, तो 13 का पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1, क्योंकि बीच में डिवाइड है, बट्टे में, ये ऊपर नीचे है ना, भाग में, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो बन क्या जाएगा, 11 का पावर 4 हो जाएगा और 13 का पावर 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 13 का पावर 3 था, 1, तो 3 में से गया तो 2 हो गया, और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सब देखते हैं हम लोग। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, 8वां 9वां 10वां, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 के पावर 7 है, ठीक है, और यहाँ पर है 5 के पावर 4 और 3, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 7 लिख दीजिएगा, और 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, क्योंकि बीच में गुना है ना और बेस से में, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 के पावर हो जाएगा 7 और 5 के पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 7, यानी कि 5 का पावर हो गया 7 माइनस 7, 5 का पावर 0, यानी कि 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लिख दिया, और यहाँ पर देखो 3 के पावर कितना है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 1 है, जब मैंने पहले भी बताया था कि अगर कुछ भी पावर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या समझना है कि 1 है, तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1, तो बेस सेम है, इनटू गुना यहाँ पर दिया हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कर देंगे और इसका पावर 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 3 का पावर 4, और इसको गुना कर दें पावर में रख देंगे 3, यानी कि 3 का पावर 4 और इसका पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 गुना हो जाएगा, 3 का पावर 4 × 3 हो जाएगा, 3 का पावर आ गया 12, ये हो गया आंसर। इसमें क्या करेंगे, देखो 5 का पावर 8 दिया हुआ है और 1 का पावर 5 है और नीचे में 1 का पावर 3 है, तो 5 माइनस 3 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर 2, ठीक है, 25 को लिख दिया, और इसका पावर 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5 के पावर 8 इंटू 1 का पावर 2 बाई 5 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, 5 के पावर 8 माइनस 6 हो जाएगा और 1 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर हो गया 2 और 1 का पावर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5a पावर 2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो आपका ये आंसर हो जाएगा या फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे के प्रॉब्लम्स को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।